जयपुर से अगली खबर है, सेंट्रल पार्क में वॉकर्स के लिए बड़ी खबर। वॉकर्स अब पूरे वॉकवे का नहीं लगा सकेंगे चक्कर, क्योंकि अंबेडकर सर्कल स्थित पार्क के गेट से अब वो दाखिल नहीं हो पाएंगे। वॉकर्स गेट से वॉकवे पर बाईं तरफ नहीं जा सकेंगे। दरअसल यहां से लेकर जनपद तक बैरिकेडिंग की गई है। हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 के सामने मंदिर के पास बैरिकेडिंग की गई है। वॉकवे को यहां करीब 200 मीटर की लंबाई में बंद किया गया है। जेडीए की ओर से की गई है बैरिकेडिंग। इसमें भूमिगत पार्किंग प्रोजेक्ट के तहत यहां निर्माणाधीन सबवे हाईकोर्ट परिसर से लेकर पार्किंग तक निर्माणाधीन है ये सबवे, और इसी के चलते 2 से 2.5 महीने के लिए जब बैरिकेडिंग हो गई है तो वॉकर्स के लिए बड़ी जानकारी ये है कि जो पूरा राउंड आप किया करते होंगे सेंट्रल पार्क का, वो पूरा नहीं हो पाएगा कुछ समय के लिए, क्योंकि वॉकर्स अब एक तरफ पोलो क्लब के पास तो दूसरी तरफ मंदिर के पास से ही यू टर्न ले पाएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुट गया। अभिषेक, जानकारी क्या, क्योंकि अब पूरा चक्कर इस ट्रैक का नहीं लग पाएगा कुछ दिनों के लिए, क्या कारण रहा और कब तक ये दुरुस्त होगा? फिर देखिए, जेडीए की ओर से यहाँ पर भूमिगत पार्किंग प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है और उसकी लागत करीब 50 करोड़ रुपए है और अप्रैल 2025 तक इसको पूरा किया जाना है। इसी प्रोजेक्ट में एक सबवे का भी निर्माण किया जा रहा है। पिछले दिनों सबवे के कारण जनपद की आधी सड़क को यातायात के लिए बंद किया था। ये सबवे जो है हाईकोर्ट से लेकर जो पार्किंग प्रोजेक्ट है वहां तक बनाया जा रहा है, ताकि लोग जो है पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करके सीधे हाईकोर्ट जा सके, हाईकोर्ट गेट तक जा सके। तो सबवे के निर्माण के चलते ही ये बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर निर्माण सबवे का निर्माण किया जा रहा है, और ये बैरिकेडिंग का जो काम है ये 2 से 2.5 महीने रहेगा, क्योंकि 2 से 2.5 महीने बाद जेडी अधिकारी को यह कहना है कि हम सबवे का काम पूरा कर लेंगे, ऊपर छत डाल देंगे, तो उसके बाद इस वॉकवे को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। और इस 200 मीटर की बैरिकेडिंग के कारण अब जो वॉकर्स हैं, जो उनकी आदत में है कि पूरे वो सेंट्रल पार्क का चक्कर लगाते हैं, वो नहीं लगा पाएंगे। उनको जो है पोलो क्लब के पास से इस तरफ से और दूसरी तरफ शिव मंदिर के पास से यू टर्न लेना पड़ेगा। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया जानकारी के लिए।